हेलो गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल हंटेड जोन में एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइज, आज मैं फिर से एक बार हॉन्टेड हाउस में आ गया हूँ, 83 हॉन्टेड हाउस में। गाइज, मैं आपको पहले गूगल टाइम दिखा देता हूँ कि रात को मैं कितने बजे यहाँ पे आया हूँ। और गाइज, आज मैं 83 इसलिए आया हूँ क्योंकि वापस आया हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे करवानी थी, जो भी यहाँ पे आत्मा भटकती है उसकी मुक्ति करवानी थी। क्योंकि कल मैंने उसके साथ मतलब बात करी, उसने जो एक्टिविटी करके उसने रिप्लाई दिया। मैंने बोला आप मुक्ति चाहते हो, उसने बोला हाँ, मतलब हाँ नहीं बोला, उसने एक्टिविटी करके मेरे को इशारा कर दिया, इसलिए आज मैं आया हूँ उसकी मुक्ति कराने के लिए। गूगल टाइम इंडिया। The time in India is 12:34 AM on Thursday. गाइज, एक्टिविटी हुई है। गाइज, मैं दूसरा कैमरा चला देता हूँ। 12:34 हो चुके हैं रात के। कौन है? गाइज, देख सकते हो आसपास एक्टिविटी हो रही थी, और अभी मैं 83 हॉन्टेड हाउस के पास आ गया। तो कैमरा बैक साइड में चल रहा है। गाइज, कुछ चीज कैप्चर हुई है, कुछ यहाँ पे दिखाई दी थी मेरे को कुछ चीज, दूसरे स्क्रीन पे देखना यहाँ पे आपको कोई चीज दिखी होगी, क्योंकि आज मैं दो कैमरे चला रहा हूँ। क्योंकि कल क्या हुआ था ना गाइज, कल ऐसा हुआ था कि मेरे बैक साइड में थी, मेरे राइट में थी, पता नहीं चला क्योंकि कैमरे में वो चीज कैप्चर हो रही थी। अभी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, तो मैं आज आपको पूरा अंदर से दिखा देता हूँ व्यू क्या है, किस प्रकार से। गाइज, देख सकते हो आप, ये है 83 हॉन्टेड हाउस। अभी मैं एक बार ना पहले इसकी सही कर देता हूँ लेंथ। तो भाई, मैंने इसको कर दिया है एडजस्ट। गेट अपने आप बंद हुआ है, तो मैं बंद कर देता हूँ। गाइस, आप देख सकते हो ये मोस्ट हॉन्टेड हाउस में माना जाता है, 83 हॉन्टेड हाउस, क्योंकि गाइस काफी ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। तो गाइस, यहाँ पे मैं पूरा जो सेटअप तैयार करना है, यहाँ पे पूरा सेटअप तैयार करूंगा, और जो भी मुक्ति दिलानी है मैं आज मुक्ति दिला के रहूंगा, क्योंकि मैं आपका आज टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और मैं कुछ ऐसी सामग्री लेके आया हूँ, कुछ ऐसी सामग्री लेके आया हूँ जिससे मैं जो भी यहाँ पे चीज दिखाई देती है उसकी मुक्ति दिलाऊं। तो गाइस, अभी मैं भेज रख देता हूँ यहाँ पे। हो सकता है गाइस टाइम लगे, हो सकता है आपको वीडियो में एक दो कट भी मिल जाए, क्योंकि ना स्टैंड रखना पड़ेगा, वो माउंट पड़ा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, 4-5 साइड में कर दूँ। गाइस, ये मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, जो सेट तैयार करना है यहाँ पे तैयार करूंगा, और मैं पहले से ही जूते उतार देता हूँ। एक्टिविटी हुई है यहाँ पे, ये चीज मूव हुई है, पर ज्यादा देर नहीं होगी, मैं इसको जला दूंगा। आज मैं ना ऐसे मेरा मन तो है पूरा हो, ये हाउस है पूरे को जला दूं, क्योंकि अगर ये ही जल गया तो इसकी कोई हिस्ट्री नहीं रहेगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो भाई, ये कुछ ऐसा सामान है, नारियल और ये क्लिप,
गाइस मैं आज ना कुछ भी हो जाए जो यहाँ पे जो भी चीज है उसकी मुक्ति करा के जाऊंगा। मेरे को एहसास हुआ कि कोई ऐसे पीछे मेरे कोई पीछे खड़ा है। गाइस कोई चीज मूव हो रही है। गाइस बहुत ज्यादा खतरनाक है जो भी चीजें हैं। गाइस एक्टिविटी हो रही है आसपास इधर। दूसरा कैमरा स्टार्ट कर देता हूं मैं क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आसपास में कोई है। गाइस आपको दिखा देता हूं इस साइड में, इस साइड का व्यू दिखा देता हूं थोड़ा। गाइस आपको दिखा देता हूँ इस साइड में, इस साइड का व्यू दिखा देता हूँ थोड़ा। तो गाइस देख सकते हो आप, अगर देखो आप यहां पे हो तो आप मेरे सामने आ सकते हो। ये चीज मूव हो रही थी, यहाँ आसपास देख लो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं यहाँ पे अकेला हूँ। चाकू आए देखो, मैं आपको यहाँ पे कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया, आप सामने आ सकते हो। गाइस देख सकते हैं मैंने पूरा सेटअप तैयार कर लिया। ये जो आप देख रहे हो ना इससे मेरे मंत्र गाइस ये चीज गिरी है सामने से, पर सामने लाइट के सिवाय कुछ नहीं है। आपको पीछे जाकर भी देख सकते हो, गाइस देख सकते हो पीछे कोई भी नहीं, आसपास कोई भी नहीं है।
जो भी चीजें वो मेरे को लग रहा है, कल तो बोल रहे थे भाई मेरी मुक्ति करवा दो, पर आज वो यही चाहते हैं कि मेरी मुक्ति ना हो। इस साइड अंधेरा है गाइस, देख सकते हो इस साइड अंधेरा है, मेरे को थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि आपको सुनाई नहीं देगा। अरे आपको पूरा दिखा दिया, आसपास में कोई भी नहीं देख सकते, एक्टिविटी हुई है पीछे, पीछे एक्टिविटी हुई है। तो गाइस अभी मैं मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। गाइस अब मेरे को ना सिर्फ 5 मंत्र बोलने हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5 मंत्र बोलने हैं, और उसके बाद में जो यहाँ पे होता है वो उस चीज को ना थोड़ी तकलीफ होगी, ठीक है, आसपास में। गाइस ये चीज मूव हुई है पर पता नहीं ये चीज सामने आई होगी या नहीं आई होगी कैमरे के अंदर। तो गाइस मैं 5 मंत्र स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। गाइस बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, बोले देखो आपको मैं यहाँ पे कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया, मैं आपकी मुक्ति चाहता हूं बस। गाइस जैसे मैं मंत्र स्टार्ट करूंगा क्योंकि उस चीज को होगी तकलीफ और यहाँ पे आसपास में बहुत सारी एक्टिविटी होगी। गाइस आपके आंखों के सामने ये चीज गिरी है, आपके आंखों के सामने। क्या मुक्ति चाहते हो? देख सकते हो पीछे कोई भी नहीं है। तो गाइस देख सकते हो आप, मैं ना उससे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, क्या आप मुक्ति चाहते हो? देखो अगर आप यहां पे हो तो आप, देखो अगर आप यहां पे हो तो आप बता सकते हो आप मुक्ति चाहते नहीं चाहते। गाइस कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा, क्या आप मुक्ति चाहते हो? गाइस किसी चीज की आवाज नहीं आ रही। गाइज मैं ऐसे पूछता हूँ, क्या आप मुक्ति नहीं चाहते? क्या आप मुक्ति नहीं चाहते? गाइज कल जब मैं आया था ना मैंने पूछा था क्या आप मुक्ति चाहते हो, उस टाइम उसने ऐसा बोला था कि मैं मुक्ति चाहती हूँ। तो गाइज मैंने खून गाइस, गाइस यहाँ पे ना अभी खून आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टैंड निकाला है बैग से, इसको बाहर निकालता हूँ मैं। गाइस मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो दूसरे फोन में आपको ढंग से नहीं दिखाई देगी क्योंकि लाइट नहीं थी। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे खून आया है, यहाँ पे इस पे खून आया है और ये खून यहाँ से निकला नारियल के अंदर से। गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ आसपास,
देखो अगर आप यहाँ पे हो तो मैं आपको यहाँ पे कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया। देखो आप कल मैं यहाँ पे आया था तो आपने ही बोला था कि मेरे को मुक्ति चाहिए। आपने भाई ये नारी यहाँ पे कैसे आ गई? गाइज मैंने यहाँ पे ना मंत्र बोलने हैं, ठीक है, तीन मंत्र बोल दिए। और वो चीज़ क्या होता है ना, जब मंत्र बोलते हैं और वो चीज़ इच्छा, मतलब मैंने ना इच्छा वाले मंत्र पढ़े। जब ना क्या होता है ना, जब आप आत्मा खुद चाहती है ना मुक्ति, तो मैंने ना उसी हिसाब से मंत्र बोले थे। भाई आपकी आंखों के सामने ये चीज, ये जो डंडा है, ये जो डंडा है गाइस, ये जो डंडा है ये खुद मूव हो रहा था और ये पूरा सेटअप उसने खराब किया है। गाइस मेरे से हो गई गलती, बहुत बड़ी गलती हुई है मेरे से। अब उस गलती का हर्जाना मुझे ही भरना पड़ेगा। जो पता नहीं उसने मेरे साथ क्या किया है, मैं यहां से निकल रहा हूं।